मैंने एक व्यक्तित्व की चर्चा की थी कार्यक्रम में, जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। रवि के समान कांतिमय उनकी ऊर्जा है, जिसका वितरण वो सहर्ष हर परिवेश में करते रहते हैं। उनकी एक खास विशेषता है, कभी भी कोई उनके पास जाता है तो कभी किसी को ना नहीं कहते हैं, और हाँ कहकर ही उसका उत्साह वर्धन करते हैं। और आज वही ब्रज कला केंद्र का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में मथुरा से आए हैं। ऐसे अतिथि तो नारायण सम होते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से मैं चाहूंगी आदरणीय रविकांत गर्ग जी का स्वागत करें, और वो कृपया आए और दो शब्द आप सभी से अपने दिल की बात कहें। ब्रज कला केंद्र द्वारा आयोजित राधा अष्टमी के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, ऐसा श्रुति बता रही थी, तो ऐसे श्री विष्णु प्रसाद गोयल जी, ब्रजधाम के सम्मानित अध्यक्ष श्री वासुदेव गर्ग जी, गौर सुंदर जी, हमारे वरिष्ठ ब्रजवासी श्री मराईलाल गर्ग जी, एन के गोयल जी, रेखा गुप्ता जी, मीरा गोयल जी, बहन रेखा, बहन कहूँ या भतीजी, जो भी कुछ भी कहा जा सकता है, और या इस सभागार में गौरव तो चले गए, ध्रुव अग्रवाल जी, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से, वैसे तो अधिकांश से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, क्योंकि आपके ही बीच का छोटा सा ब्रजवासी हूं, और ब्रजवासी होने के नाते आपके मध्य आकर बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो मैं ब्रज कला केंद्र की स्थापना से, ब्रज कला केंद्र की गतिविधियों से जुड़ा रहा हूं, और ब्रज कला केंद्र की जब स्थापना हुई मुझे स्मरण आता है रामनारायण भैया जी, रामनिवास भगत जी, आदरणीय मनोहर लाल गोयल जी, सब लोगों ने मिलकर ब्रज साहित्य मंडल से ब्रज आगे बढ़कर जो ब्रज कला केंद्र की स्थापना की, उनके मन में एक सपना
उन्होंने सजोया था, एक संकल्प लिया कि ब्रज की कला को, ब्रज के साहित्य को, ब्रज के सांस्कृतिक विरासत को, ब्रज के उत्सर्ग को, ब्रज की पहचान को हम धूमिल नहीं होने देंगे, मिटने नहीं देंगे। उसी के नाते इस ब्रज कला केंद्र की स्थापना हुई और खुशी है कि उस ब्रज कला केंद्र की स्थापना जो ब्रज में हुई, ब्रज से बढ़कर वो आज दिल्ली में और संपूर्ण देश में अपनी अपनी पहचान को स्थापित किए हुए है। ब्रज कला केंद्र के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर बहुत सारे कार्यक्रम आप सब लोगों ने आयोजित किए हैं और ब्रज धाम का निर्माण एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आपके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। और वो इसलिए और अब उसका सार्थक स्वरूप सामने सिद्ध होगा कि ब्रज की तरफ, ब्रज की ओर विगत में जो लोग भी शासन सत्ता में रहकर देश की सांस्कृतिक गतिविधियों को, धार्मिक गतिविधियों को चलाते रहे, उनका ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर नहीं गया। एक बार बैठे थे, माने 2013 की बात है, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पर्सनल वार्तालाप हो रहा था, तो मैंने उनको बताया कि आज उत्तराखंड अलग होने के पश्चात ब्रज ही ऐसा क्षेत्र है जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक दर्शनार्थी और तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, और ये बात आज भी सिद्ध है। अभी उस दिन ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक हो रही थी, उसमें उन्होंने आंकड़े रखे, उसमें उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने कहा मेरे पास सिद्ध है कि 10 से 15 करोड़ दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु 5 करोड़ से अधिक तो परिक्रमा देने के लिए आते हैं, गोवर्धन में परिक्रमा देने के लिए आते हैं। तो अब उस क्षेत्र का विकास किस रूप में हो रहा है, उसका एक सूक्ष्म आप सब लोगों को, चूंकि ब्रजवासी है तो खुशी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी 5 साल में ब्रज 84 को उसके एरिए में, पूरे ब्रज क्षेत्र में 50,000 करोड़ से अधिक धनराशि लगने वाली है सरकार उसके विकास की दृष्टि से। यानी जो ब्रज 84 को उसकी यात्रा है, उनके स्थानों के पड़ाव नहीं है, तीर्थ कुंड नहीं है, कुंडों का जीर्णोद्धार नहीं है, घाट नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जाने के रास्ते नहीं हैं, परंतु उन सब रास्तों को फोर लेन बनाने का काम सरकार कर रही है। उसके लिए 5.5 हज़ार करोड़ की योजना मंजूर हो चुकी है, उस पर काम शुरू हो गया है। इसी प्रकार से वृंदावन में और मथुरा में राधा कृष्ण झूला यमुना से इस पार आने और जाने के लिए बनाने का तय हुआ है। वृंदावन को और मथुरा को NH-8 से भी जोड़ा जा रहा है, NH-2 से भी सीधे और सीधे मार्ग से अलग रास्ता बनाकर जोड़ा जा रहा है, और जो बॉम्बे हाईवे बन रहा है उससे भी सीधे रास्ता बनाने की तैयारी हो रही है। तो मथुरा एक केंद्र बने, ब्रज एक केंद्र बने, इसकी दृष्टि से सरकारें काम कर रही हैं। आप सब लोग भी उस सभी कार्यों में सहभागी बने, मेरा आप सबसे अनुरोध है। और एक बात जो मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ ब्रज कला केंद्र के माध्यम से, अभी ब्रजभाषा एक आदमी राजस्थान में है, जबकि राजस्थान का छोटा सा पार्ट ब्रज में आता है और यूपी का अधिकांश पार्ट ब्रज में आता है, तो ब्रज कला ब्रज
भाषा अकादमी बनाने का सरकार ने सिद्धांत तय कर लिया है, पर उसका श्रेय ब्रज कला केंद्र ले, उसकी पहल ब्रज कला केंद्र करे, ब्रज कला केंद्र के माध्यम से ब्रज भाषा अकादमी इसमें ब्रज कला केंद्र में समाहित होकर बने, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और उस काम को करने और कराने के लिए मैं आपके साथ हर समय तैयार हूँ। आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, आप सबने निमंत्रित किया, जैसे पहले भी बहुत कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी के दर्शन करके, सभी के साथ सहभागिता करके बहुत अंदर से प्रफुल्लित हूँ, मन में खुशी हो रही है। और मैं जैसा हूँ, जैसे भी हूँ, आपका हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि हम चाहे दिल्ली में रहें चाहे कहीं भी रहें, परंतु ब्रजभाषा को चलन में लाएँ और ब्रजभाषा को आपसी संवाद में तो ब्रजभाषा का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हमारी पहचान और बढ़ेगी और कायम रहेगी। धन्यवाद। जय राधे 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 राधे।